मेष राशि के नौकरी धंधे के तनाव से मुक्ति मिल सकती है। समय के साथ रहे, जो जैसा हो रहा है होने दे। योजनाओं में होती देर आखिरी में आपके ही फेवर में साबित हो सकती है। पुरानी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। आपको दूसरों की खातिर कुछ त्याग करना पड़ सकता है, उससे आपको कोई फायदा हो सकता है। आने वाले 2-4 दिन भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। कुछ चीजें आपके फेवर में साबित हो सकती है। समय अपेक्षाकृत ठीक भी हो सकता है। ऑफिस और बिजनेस में कुछ चुनौतियां मिल सकती हैं, जिनसे फायदा हो जाएगा। नेगेटिव, थोड़ा कंफ्यूजन भी महसूस होगा। आप किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं तो सावधान रहे। आपके साथ कोई कानूनी मामला चल रहा है तो बेहतर रहेगा कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले सोच ले। आपको मानहानि का सामना भी करना पड़ सकता है। बिजनेस में आप जिन चीजों की अनदेखी करते आ रहे थे, वही असफलता का कारण बन सकती है। आपके लिए किसी मामले पर जिद करने का दिन नहीं है। दूसरों के साथ संबंध तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। क्या करें, सौंफ खा कर पानी पिए। लव पार्टनर के साथ दिन बीतेगा, सम्मान और प्यार मिल सकता है। करियर कार्य क्षेत्र में विवाद के भी योग बन रहे हैं। बिजनेस में सफलता और फायदा हो सकता है। कॉमर्स के छात्रों को सफलता मिलने के योग है। हेल्थ, मानसिक अशांति से गुजरेंगे, तनाव भी रहेगा, थकान और आलस्य से परेशान रहेंगे। वृश्चिक राशि के लोगों से मिलने और कांटेक्ट बढ़ाने का दिन है। जो योजना आपने बना रखी है उस पर काम शुरू कर दें। अच्छा फल देने वाला दिन है। ऑफिस में कोई नया काम आ सकता है और आप सक्रिय हो जाएंगे। शाम तक ज्यादा से ज्यादा सफल होने की पूरी कोशिश भी आप करेंगे। बिगड़ी हुई स्थिति सुधारने के लिए आपको ही पहल करनी होगी। मधुर शब्द और शांत मन आपके लिए ठीक रहेंगे। कोई नजदीकी व्यक्ति आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आपका हौसला बढ़ा हुआ रहेगा। कोई विवाद चला आ रहा हो तो समझौता भी हो सकता है या मामला आपके फेवर में हो सकता है। नेगेटिव, लेन देन में सावधानी रखें। हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो आपका ही समय खराब हो सकता है। प्रेमी के साथ किसी मामले को लेकर आपके मन में कोई परेशानी भी हो सकता है। आज आप थोड़े उदास भी हो सकते हैं। क्या करें, -2 सिक के पानी से धोकर जेब में रख लें। लव लाइफ के लिए दिन मिला जुला हो सकता है। थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। करियर, नौकरी, पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है। पदोन्नति के योग बन रहे हैं। स्टूडेंट्स को मेहनत से ही सफलता मिलेगी। कुछ स्टूडेंट्स को शारीरिक परेशानियां रहेंगी। हेल्थ, सेहत के लिए दिन ठीक नहीं है। पेट खराब हो सकता है। मानसिक तनाव भी रहेगा। मिथुन राशि के प्रसन्नता और संतुष्टि महसूस हो सकती है। आपके लिए दोस्त बहुत खास रहेंगे, क्योंकि उनसे ही आपके महत्वपूर्ण काम होंगे। कल्पनाशीलता के प्रभाव से आपके काम पूरे हो सकते हैं। जो काम पहले से चलता आ रहा है उसमें आप पूरी तरह सफल हो सकते हैं। घर परिवार के मामलों पर आपको ध्यान देना होगा। कुछ लोग आपसे अपने निजी मामलों को लेकर सलाह ले सकते हैं। नेगेटिव विचारों का आदान प्रदान इतनी तेजी से होगा कि आप किसी एक काम में मन नहीं लगा पाएंगे। घर या आसपास किसी मामले को लेकर भ्रम की स्थिति भी बन सकती है। कुछ कामों में परिवार का सहयोग नहीं मिलने से आप परेशान हो सकते हैं। आप किसी ना किसी बात को लेकर टेंशन ले सकते हैं। नकारात्मक विचार भी आप पर हावी हो सकते हैं। क्या करें, -1 बिल्व पत्र पूरे दिन अपने साथ रखें। लव पार्टनर के साथ समय बिताएंगे, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। करियर, आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। खर्चा हो सकता है। कार्यस्थल पर सहयोग भी मिल सकता है। कुछ स्टूडेंट्स आलस्य और थकान भी महसूस करेंगे। हेल्थ, सेहत पर ध्यान दें। पेट संबंधित बीमारियां हो सकती है। कर्क राशि, कर्क राशि के लोग अपना मनोबल और रवैया सकारात्मक रखें। कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बहुत रोचक चर्चा हो सकती है।
कार्यक्षेत्र में आप कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। रुकावटें खत्म होंगी, यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों के मामलों में आप अपने पार्टनर की सलाह पर भरोसा करें, उसका सुझाव ज्यादा बेहतर है। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार के ही सहयोग से आपकी आर्थिक समस्या सुलझ जाएगी। आपके और प्रेमी के बीच कोई तनाव चल रहा है तो उसे सुलझाने के लिए समय सही है। लव लाइफ के लिए भी दिन अच्छा है। नेगेटिव पैसों के मामले का कोई बड़ा फैसला खुद ना करें, किसी अनुभवी से सलाह ले लें तो बेहतर होगा। वैचारिक तौर पर आप व्यस्त हो सकते हैं, अपनी बात ठीक ढंग से शायद नहीं कह पाएंगे। किसी छिटपुट बात को लेकर ज्यादा संवेदनशील होने से बचें, छोटी सी बात पर परेशान ना हो। जो काम आज ना हो उन्हें जबरदस्ती पूरा करने की कोशिशें भी ना करें तो ही अच्छा है। आज कुछ कामों में थोड़ी देरी भी हो सकती है, क्या करें बेडरूम या पलंग पर इत्र छेटें। लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें, पार्टनर बहुत हद तक भावुक भी रहेगा। करियर बिजनेस में विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन नई योजनाओं से भी फायदा मिलेगा, मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। हेल्थ सेहत के मामले में कर्क राशि वालों के लिए दिन थोड़ा ठीक रहेगा। सिंह पॉजिटिव, आपके लिए दिन अच्छा साबित हो सकता है, हर काम अच्छी तरह से पूरा भी हो जाएगा। कुछ योजनाओं और कामों में आप बदलाव कर सकते हैं। पद और पैसों के सिलसिले में अधिकारियों से बातचीत होने के योग बन रहे हैं। प्रमोशन जैसी स्थिति भी आज बन सकती है, कुछ नया करके दिखा सकते हैं। बातचीत करने का तरीका बदलें, पैसों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करें। दोस्तों और भाइयों से आपको सहयोग मिलेगा, आपको सकारात्मक और शांत रहना चाहिए। जो भी प्लानिंग आपके दिमाग में है उसे किसी के सामने न रखें। नेगेटिव, लंबी चौड़ी बातें करने से बचें, आपको एक्स्ट्रा दौड़ भाग करनी पड़ सकती है। कोई करीबी व्यक्ति आपका गलत फायदा भी उठा सकता है। देनदारी के मामले समझदारी से ना निपटाए नहीं तो किसी से कोई भस हो सकती है। फालतू खर्चा करने से बचें, क्या करें घी शक्कर खाएं। लव दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, किसी बात पर जीवन साथी से अनबन हो सकती है। करियर निवेश करते समय सावधानी रखें, धन लाभ होगा। सिंह राशि के स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हेल्थ सेहत थोड़ी खराब हो सकती है, एलर्जी या जोड़ों का दर्द भी हो सकता है। कन्या पॉजिटिव, नौकरी और बिजनेस संबंधित मामले निपटाने के लिए दिन अच्छा है। थोड़ी सी कोशिश से आपको रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आप अचानक आने वाली परेशानियों और संकट से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आज आप सफल रहेंगे। आप जिससे भी बात करें साफ और ईमानदारी से करें। कोई आपसे पैसे भी मांग सकता है। किसी से कोई मदद लेने के पहले ठीक से विचार कर लें कि आखिर आप क्या चाहते हैं। आपको अचानक धन लाभ भी हो सकता है। नेगेटिव, जो प्लानिंग की है या दिमाग में चल रही है उसमें बार बार बदलाव ना करें तो ही अच्छा है। कामकाज में बहुत ज्यादा उतावलापन या जल्दबाजी करने से बचें। कई चीजों को लेकर आपके मन में चिंता और अनिश्चितता का भाव भी रहेगा। दूसरे लोग आपसे जो बात कहें उस पर भरोसा ना करें। लोगों की बुराई भी करने से बचें, क्या करें किन्नरों को सुपारी दान करें। लव प्रेमियों के लिए दिन शुभ है, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, आपके मूड से पार्टनर का मूड बनेगा। करियर सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन शुभ है, अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है, हेल्थ पेट संबंधी रोग होने की संभावनाएं भी बन रही है। मसालेदार भोजन से बचें, चोट भी लग सकती है, सावधानी रखें। तुला पॉजिटिव, पुराने किए हुए किसी काम से आपको फायदा हो सकता है। आपके मन में कई तरह के विचार भी चलते रहेंगे। सफलता से दिन बिताने के लिए सहयोग का मन रखना होगा। छिटपुट और जरूरी काम निपटाने के लिए भी आपको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ सकती है, मन में संकल्प रखना होगा। दोस्त परिवार के लोग और बिजनेस में पार्टनर की जरूरतें पूरी हो सकती हैं। कोई पुराना बिल या पैसा भी वापस मिल सकता है। पुराना दोस्त अचानक आपके काम आ सकता है। आज किया हुआ शुभ काम आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा दे सकता है।
शांत और सहनशील रहे तो आपको फायदा भी होगा, शुद्ध फल भी मिलेंगे। नेगेटिव मतभेद का सामना भी करना पड़ सकता है। आपसे जुड़े हुए और आसपास के लोगों को आपसे कई अपेक्षाएं रहेंगी। कुछ समय शौक पूरा करने में भी निकल सकता है। क्या करें, पानी में थोड़ी सी तंबाकू मिलाकर कांटेदार पेड़ पौधों में डाल दें। लव जीवन साथी के साथ कहीं घूमने का मन बन सकता है। दिन भी अच्छा बीतेगा। करियर बिजनेस के लिए समय अच्छा है। निवेश फायदेमंद रहेगा। तुला राशि के स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिल सकती है। हेल्थ, आपकी सेहत सामान्य रहेगी, बस थोड़ा बहुत सिरदर्द हो सकता है। वृश्चिक, पॉजिटिव, जरूरी काम जल्दी ही निपटा ले। कोई जरूरी काम कल पर भी टल सकता है। पुराने परिचित लोगों से मुलाकात हो सकती है। मन में कई दिनों से चली आ रही बातें सामने आएंगी। आप कुछ नए काम शुरू करने का भी मन बना सकते हैं। अपने घर से किसी तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें अच्छा फायदा हो सकता है। पुराने निवेश से भी फायदा होगा। परिवार के लोगों से संबंधों में सुधार होगा। लोग अपनी समस्याएं आपके सामने रखेंगे। आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा। नेगेटिव, जो निवेश किया है तो अभी उसे ना छेड़े। अपने ही लोगों के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। सावधान रहे, किसी भी बात को बहुत लंबा ना खींचे। आपको खुद पर भी चिढ़ हो सकती है। दोस्तों की मदद करने में ज्यादा ही धन और समय खर्च हुआ तो वह भी बोझ लग सकता है। घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। क्या करें, हनुमान जी को तेल का दीपक लगाएं। लव जीवन साथी के साथ अनबन होने के योग बन रहे हैं। करियर साझेदारी के बिजनेस में फायदा हो सकता है। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स को मेहनत से ज्यादा परिणाम मिल सकता है। हेल्थ, आज आपकी सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। धनु, पॉजिटिव, कई लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। कई तरह की सूचनाएं भी आपको मिल सकती है। अनपेक्षित ढंग से दोस्तों से मदद मिल सकती है। रुकावटों के बावजूद अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान रखें। घर, परिवार और जमीन जायदाद के मामलों पर ध्यान देना होगा। नौकरी बिजनेस में कुछ भी नया करने से बचें। आप आने वाले दिनों की प्लानिंग भी कर सकते हैं। आज की मेहनत आपको सकारात्मक परिणाम दिला सकती है। नेगेटिव, दूसरों की मदद के भरोसे ना रहे। आपको सावधान भी रहना होगा। चंद्रमा गोचर कुंडली के 8वें भाव में होगा। लोगों के सामने खुद को पेश करने में आपको सावधानी रखनी होगी। एक साथ कई काम हाथ में ना ले, आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। सावधान रहे, अपने सोचे हुए काम आज शुरू ना करें। कामकाज में या तो मन कम लगेगा या रुकावटें आ सकती हैं। क्या करें, दिन में 2 बार पैर धोएं। लव पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलने का योग बन रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली रहेगी। करियर बिजनेस में नई योजनाएं बनेंगी, लेकिन कुछ नया करने से भी बचें। लेन देन में सावधानी रखें। इस राशि के कुछ लोग अपनी मेहनत और नतीजों से असंतुष्ट हो सकते हैं। हेल्थ, अबदन या सिर दर्द से परेशानी हो सकती है। मकर, पॉजिटिव, काम काज में आप बहुत बिजी हो सकते हैं। कोई नया काम फायदे के लिए अपने हाथ में लेंगे और उसे पूरा करने में लग जाएंगे। रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिलने के योग है। आप ज्यादातर समस्याओं के समाधान के बहुत करीब पहुंच सकते हैं, लेकिन धैर्य रखें। करियर में आगे बढ़ने का कोई अच्छा मौका भी आपको मिल सकता है। परिवार के लोगों की ज्यादा ही उम्मीदें आपसे रहेगी। आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आपको शांति से काम करना चाहिए और दूसरों की बात भी गंभीरता से सुननी होगी। पुराने प्रेमी से अचानक मुलाकात हो सकती है। दोस्तों से भी मुलाकात होगी। नेगेटिव, खर्चे पर नियंत्रण रखें। अपनी मेहनत के फल से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। परिवार में संभवत कोई एक सदस्य दुखी या नाराज हो सकता है। यात्रा या शिक्षा से जुड़ा कोई मामला है तो वह भी उलझ सकता है। क्या करें, किसी भी मंदिर में आटा दान दें। लव, अविवाहित लोगों को वैवाहिक प्रस्ताव मिल सकते हैं। दिन भी अच्छा रहेगा। करियर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फायदे का समय है। निवेश का फायदा भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए मेहनत का समय रहेगा। हेल्थ, जरूरी चेकअप करवाते रहे।
मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। कुंभकाज जटिल सामूहिक और सामाजिक कामकाज निपटाने के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी पुराने काम को नए सिरे से भी शुरू कर सकते हैं। आपके काम अचानक पूरे होंगे और कांटेक्ट भी मजबूत हो सकते हैं। अधिकारियों से अच्छा सहयोग भी मिल सकता है। किसी प्रकार के वाद विवाद में आप जीत भी सकते हैं। कोई ऐसी बात या परिस्थिति आपके सामने आ सकती है जिससे आपकी सोच बदलेगी। यह बदलाव आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। जब आप समझदार दोस्तों के साथ बैठेंगे तो आपको लगभग हर समस्या का व्यावहारिक समाधान मिल सकता है। आपके लिए दिन सकारात्मक हो सकता है। नेगेटिव, आप कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लें। आपके बोलने से विवाद भी हो सकते हैं। आपको पैसों के मामलों की चिंता करनी पड़ सकती है। कई बार यह समझना भी मुश्किल हो सकता है कि आखिर क्या किया जाए। आप लंबा चौड़ा खर्चा करने के मूड में हैं तो संभल जाएं, वरना खुद के लिए परेशानियां पैदा कर सकते हैं। लंबे सफर पर निकल रहे हैं तो कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। काम ज्यादा होने के कारण थकान महसूस हो सकती है। मनोरंजन और संतान पर भी खर्चा हो सकता है। क्या करें, दिन में एक बार गुनगुना पानी पिए। लव प्रेम में संबंध बिगड़ने का डर बना रह सकता है। पुरानी बातों से परेशानियां भी और बढ़ सकती हैं। करियर जोखिम भरे सौदे करने से बचें। उधार दिया पैसा भी वापस आएगा। स्टूडेंट्स को मेहनत से कुछ कम परिणाम मिलेंगे। हेल्थ, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। सेहत में पहले से सुधार होगा। मीन पॉजिटिव, आज कोई भी काम पूरा करने में आपको सहयोग मिल सकता है। जो काम आपके सामने है उन पर ध्यान दें। रिश्तों के कुछ मामलों में आप काफी व्यस्त हो सकते हैं। दोस्त और प्रेमी के कारण आपको त्याग करना पड़ सकता है। आपकी जरूरतें पूरी होंगी। अपनी योजनाओं में भी आपको बदलाव करने होंगे। आज आप किसी तरह का दबाव महसूस कर रहे हैं तो चिंता ना करें। आपका दबाव कुछ ही समय का है। पार्टनर से संबंध सुधरने लगेंगे। पार्टनर आपको पूरा समय भी देगा। नेगेटिव, ऑफिस में साथ काम करने वाले कुछ लोग आप पर काम का दबाव डाल सकते हैं। पैसों से जुड़े कुछ मामले आपके लिए पेचीदा भी साबित हो सकते हैं। ऑफिस या बाजार में भी कोई आपके पीठ पीछे किसी तरह का षड्यंत्र बना सकता है। बड़ी बड़ी बातों और बड़े सपनों के चक्कर में ना पड़े। जीवन साथी से जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ना रखें। क्या करें, नाभि पर इत्र लगाएं। लवपति पत्नी के बीच गलतफहमी दूर हो सकती है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए सुखमय रहेगा। करियर, आर्थिक नजरिए से दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। हेल्थ, पिता की सेहत को लेकर चिंता रहेगी। अपनी सेहत का ध्यान रखें।